हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं गुरु नीति के एपिसोड नंबर 21 की, और टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसा हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हमने बेसिक कंसेप्ट लिए थे। बिल्कुल सर, मेनली फोकस जो पीछे की गुरु नीति थी वो मेनली फोकस दी लिगेंड की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग और मेटल कार्बोनिल की सिंथेटिक बॉन्डिंग के रिगार्डिंग। नोमेनक्लेचर भी आपने उससे इंक्लूड किया था। आज की जो गुरु नीति है वो थोड़ा सा उससे लेवल थोड़ा ज्यादा है। कॉलम मैचिंग भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी है, सीएफटी, वीबीटी, आइसोमेरिज्म, ये सारे टॉपिक में। तो होपफुली आप सभी एंजॉय करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स एज डोनर? निम्नलिखित से कौन सा दाता के रूप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रखता है? मतलब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम कौन सा लिगेंड रखता है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली है कि बच्चों को इनकी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इनके नेम पता होने चाहिए, इनकी स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए। विदाउट इनकी स्ट्रक्चर या इंफॉर्मेशन के आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं सीख सकते। बिल्कुल। तो सबसे पहले दिया है हमें इमीडा -2। तो इस लिगेंड का नाम होता है सर इमीनो डाई एसिटेटो। बिल्कुल सर। और एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि NH लगाओ, इमिनो ग्रुप लगाओ और उस पे दो एसीटेटो ग्रुप लगा दो, CH2CO- और CH2CO-, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन। बिल्कुल सर, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डोनर एटम का काम करेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा। फिर EDTA की बात करते हैं, तो EDTA -3 दिया है। तो देखो EDTA में बड़े बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको पता है EDTA का मतलब होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इथाइलिन डाइएमीन की स्ट्रक्चर सभी को आती है, CH2 और ये CH2, N, H, H और ये N और ये H और ये H, दिस इज इथाइलिन डाइएमीन। अब हमें बताना है कि इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो ट्राई एसीटेटो। बिल्कुल। तो हमें यहाँ अगर टेट्रा एसीटेटो लगाना है तो इस H को हटाओ, CH2CO- एक जगह, यहाँ भी CH2CO- और यहाँ भी CH2CO-, दिस इज EDTA -3। बिल्कुल सर, इसमें दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम भी मिल रहे हैं अपने को और ऑक्सीजन भी मिल रहे हैं। तो यहाँ भी ये भी ऑप्शन जाएगा इसमें से। बिल्कुल, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। फिर है EDTA-4, तो यहाँ एक CH2CO- और लगा दो, इसमें भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो इसका मतलब ये तीनों ही लिगेंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डेंटेड है। दिस इज ट्राइडेंटेड, दिस इज पेंटाडेंटेड एंड इट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड हो गया। ठीक है, लिगेंड के बारे में और डिटेल से बात हम लास्ट गुरु नीति में हम कर भी चुके हैं। बिल्कुल, डिटेल में बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डोनर साइट्स इन डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीन ग्लाइसिनेटो डाइथाइलिन ट्राइएमीन एंड EDTA रेस्पेक्टिवली। सर ये लिगेंड के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें लिगेंड के बारे में बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन है तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कितनी डोनर साइट है, कितनी उसकी डेंटिसिटी है। तो वही स्ट्रक्चर से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो, तो CH3C(O) और ये C(O)CH3, दिस इज ग्लाइऑक्सल। बिल्कुल, इसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल, दो CH3 लगा दिए तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल। इसकी रिएक्शन आप H2NOH से करवाओगे, हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाओगे, तो वेल नोन रिएक्शन है ऑर्गेनिक की, ऑक्सीन का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल सर। और यहां बन जाएगा CH3CH3NOH और ये डबल बॉन्ड NOH, दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन। अब इसका हमें सॉल्ट बनाना है। बिल्कुल सर, तो यहां से H हटा दूंगा, नेगेटिव चार्ज लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा DMG- डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो। अब इसमें डोनर एटम की बात करें तो दोनों ही नाइट्रोजन डोनर एटम है, बाइडेंटेड लिगेंड है ये। बिल्कुल सर। ठीक है, तो जो फर्स्ट लिगेंड है हमारा वो बाइडेंटेड लिगेंड है। सबसे पहला यही था डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन, सेकंड है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन एसिड का सॉल्ट है CH2NH2 और ये CO-, दिस इज ग्लाइसिनेटो। ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसमें क्या है, डोनर एटम का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसकी डेंटिसिटी भी कितनी होगी, दो। डाइथाइलिन ट्राइएमीन, डाइथाइलिन ट्राइएमीन मतलब CH2CH2 और ये NH2NH, CH2CH2NH और ये CH2CH2NH2। तो हमें तो छोड़ी, हमें इसकी इसी की बात की, इतने की बात की है, ट्राइएन की बात नहीं की है, तो यहां तक जाएगा।
तो देखो क्या दिया था, हमने दिया था डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, तो डाई इथाइलिन CH2CH2 को इथाइलिन बोलते हैं, डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, तीन नाइट्रोजन डोनर एटम इसके अंदर है, तो इसकी डोनर एटम डोनर कैपेसिटी है वो 3 है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें EDTA, EDTA की हमें अभी बात की थी, EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है, अभी हमने पिछले किसी में बात की थी है। तो सबसे पहले डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो बाइडेंटेड, ग्लाइसिनेटो बाइडेंटेड, डाइथाइलिन ट्राइएमीन, ट्राइएमीन नाम से क्लियर हो रहा है, ट्राइडेंटेड EDTA हेक्साडेंटेड, ऐसा ऑप्शन अगर आप ढूंढने जाओगे तो सेकंड में मिल जाएगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर। सर यहां पर अपन एक ये इंफॉर्मेशन भी अपन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि निकल प्लस 2 आयन का जो टेस्ट है वो अपन डीएमजी के द्वारा करते हैं, उसमें रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, रोजी रेड पीपीटी आती है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। इसमें नंबर ऑफ क्लेट भी 4 होती है, इसमें 2 क्लेट तो अपन 5 मेंबर रिंग होती है और 2 क्लेट 6 मेंबर रिंग होती है। बिल्कुल अच्छा पॉइंट था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करने वाला कौन सा कंपाउंड है, तो सर कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उसके लिए कंडीशन ये है कि आप लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर से और आयोनाइजेशन स्पेयर में अगर एक्सचेंज करे हुए तो विदाउट कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, डिफरेंट आयन आना चाहिए। बिल्कुल। तो यहां तो मैं चेंज कर नहीं सकता क्योंकि अंदर न्यूट्रल लिगेंड है और बाहर नेगेटिव आयन लिगेंड है, तो ये तो शो नहीं करेगा। यहां भी अंदर न्यूट्रल लिगेंड है, बाहर एनायनिक लिगेंड है, एनायनिक स्पीसीज है, ये भी नहीं करेगा। यहां भी अंदर न्यूट्रल है, बाहर एनायनिक है, ये नहीं करेगा। यहां देखो अंदर भी एनायनिक है और बाहर भी न्यूट्रल, बाहर भी एनायनिक है, तो इसका दूसरा आइसोमर हम ये बना सकते हैं CONH3SO4 को अंदर ले जाऊं और BR को बाहर ले आऊं, बोथ आर आइसोमर बट दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन देंगे, आयनाइजेशन के ऑब्जर्वेशंस, ये सल्फेट आयन देगा, मतलब इसका अगर BaCl2 डालूं तो BaSO4 की वाइट पीपीटी यहां मिल जाती है, और यहां अगर मैं एक्वस AgNO3 डालूं तो AgBr की यहां पे येलो पीपीटी मिल जाती है, इसका मतलब इस ये जो कंपाउंड है वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो आंसर जाएगा वो जाएगा 4। सर अपन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए अपन एज ए ट्रिक अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई आयन जो है वो लिगेंड बन सके और लिगेंड जो है वो आयन बन सके, बट कंडीशन यही है कि दोनों सेम होने चाहिए, एनायनिक एनायनिक होनी चाहिए। बिल्कुल। और जैसे तो ये अंदर चला गया तो ये बाहर आ गया, तो बाहर तो न्यूट्रल आ गया, ये न्यूट्रल एग्जिस्ट कैसे करेगा, कोई आयन जो है वो आयन को आयन से एक्सचेंज हम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने वो करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं, तो सर मैं 4 स्टेटमेंट इनको मैं पहले इसके बारे में कुछ 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के NCERT में एक एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, आप उन एप्लीकेशंस को ढंग से पढ़ें, उनको रीड करें, और जेई के बच्चों को तो मोस्ट एप्लीकेशन वहां पे सॉल्ट में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, बच्चा इस टॉपिक को अवॉइड करता है, तो हमारा सजेशन यही है कि उस टॉपिक को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, बट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर रखे हैं। फर्स्ट पूछा है हार्डनेस ऑफ वाटर मेजर्ड बाय EDTA मेथड एंड कंडक्टिविटी मेथड, तो स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है हार्डनेस ऑफ वाटर एस्टिमेटेड लिखा हुआ है, तो वहां हम हार्डनेस को एस्टिमेटेड कर सकते हैं क्योंकि हार्डनेस कितनी हुई है। बिल्कुल ठीक है। वहां CA और मैग्नीशियम EDTA के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, तो हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को वहां पे एक्सचेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्यों हो गया, कि तो कंडक्टिविटी मेथड का यहाँ कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बेस्ड पे ये मेथड है। बिल्कुल। और दूसरा मेजर नहीं किया जाता है, एस्टिमेटेड किया जाता है, NCERT जाके पढ़ो, लाइन टू लाइन मिल जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर सिसप्लेटिन इज रिस्पांसिबल फॉर कैंसर, ना एंटी कैंसर, ये तो एंटी कैंसर ड्रग है सिसप्लेटिन, तो ये तो इसके ट्रीटमेंट में हम यूज में लेते हैं, और सिसप्लेटिन की स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, प्लेटिनम NH3 NH3 और ये Cl और ये Cl, स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स, और इसका जो है सिस फॉर्म होना चाहिए, 90 पे 2 आइडेंटिकल लिगेंड होने चाहिए, दिस इज सिसप्लेटिन, और इसका यूज हम लेते हैं एंटी कैंसर ड्रग में, या कैंसर के लिए रिस्पांसिबल नहीं है, तो गलत होगा, कॉज के रूप में बोल दिया इसको। फिर नोबल मेटल लाइक AgAu, नोबल मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेटल है वो अनइफेक्टेड होते हैं एयर से, एसिड से, बेस से, केवल ये सोल्युबल होते हैं एक्वारेजिया में, इसलिए हम इनको नोबल मेटल बोलते हैं। कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्स, गलत स्टेटमेंट है, हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, मेटलर्जी का ये प्रोसेस है। मेटलर्जी में मान लो हम सबसे पहले Ag का कोई भी ओर है,
पेज खाली, हाँ पेज खाली करते हैं और खाली पेज से हम इसको स्क्रीन करते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि मान लो AG का आपने AG2S ये AG का ओड लिया या फिर आपने नेटिव ओड लिया, नेटिव ले सकते हैं, नेटिव ले सकते हैं, इसकी रेट में हम कराएंगे NaCN डाइल्यूट से बिल्कुल इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और अगर ऐसा दिया हुआ है तो NaCN इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन AU भी अपन ले सकते हैं। हाँ, इसके साथ AU का भी सेम कंसेप्ट चलेगा, आप यहाँ AU भी ले सकते हो तो सेम कंसेप्ट चलेगा गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। क्या करते हैं, जो भी आपके पास ओर है हमें पता है कि ये दोनों ही मेटल हैं, वो लेस रिएक्टिव हैं, नेटिव ओर भी होते हैं, कंबाइंड ओर भी होते हैं, कंबाइंड कैपेसिटी इनकी बहुत कम होती है कि बिकॉज ये लेस रिएक्टिव होते हैं, तो इसका अगर सिल्वर ग्लांस हम ले बिल्कुल सर तो ये ओर ले सकते हैं या नेटिव ओर ले सकते हैं। तो इसका सबसे पहले हम कराएंगे लीचिंग, भाई इनका कंसेंट्रेशन करते कैसे हैं, बाय लीचिंग प्रोसेस जो कि केमिकल मेथड में, जो कि केमिकल मेथड होता है, एकमात्र यही केमिकल मेथड है। तो यहाँ एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट हमने लिया है, उस सॉल्वेंट का नाम है NaCN, आपको ध्यान रखो जो NaCN लिखा है मैंने डाइल्यूट किया है, जब आपने ओर लिया है तो एयर की प्रेजेंस में लिया है और जब आपने नेटिव ओर लिया है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लिया है। तो पहले एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहां भी कॉम्प्लेक्स बनेगा AgCN2- दिस इज सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल हो जाता है, इंप्यूरिटीज इनसोल्यूबल रहती है बिल्कुल सर। यहां भी यही कॉम्प्लेक्स बनेगा AgCN का होल ट्वाइज और ये माइनस, यहां एयर का रोल क्या है, साइड में Na2S बनती है उसको Na2SO4 में कन्वर्ट करता है, एयर का रोल है, अदरवाइज ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, यहां एयर का रोल है Na2S को Na2SO4 में कन्वर्ट करना, और अगर मैं यहां बात करूं तो इस ऑक्सीजन का रोल है इस Ag को ऑक्सीडाइज करना Ag+ में, वरना Ag+ में आएगा कैसे, बिल्कुल सही, तो दोनों जगह इनका रोल है और ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है ना, इससे मेटल का एक्सट्रैक्टेड करते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, लाइक जिंक ले सकते हो आप या एल्यूमिनियम ले सकते हो। तो जिंक यहां क्या करेगा, जिंक इस एजी का रिडक्शन कर देगा तो एजी का प्रेसिपिटेशन आ जाएगा जिसको हम हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं, अगर गोल्ड लिया है तो गोल्ड का प्रेसिपिटेशन आ जाएगा और साइड में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ZnCN4-2। तो ये मेथड तो वेल नोन है बिल्कुल, दिस इज हाइड्रोमेटलर्जी, ये हमने मेटल को प्रेसिपिटेशन फॉर्म में हमने लिया है, पहले सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाया, ये हाइड्रोमेटलर्जी है और यहां इंप्यूरिटीज इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होती है बिल्कुल। अब वापस उसी स्टेटमेंट पे आते हैं, जैसे मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, हां मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस इसको बोलते हैं। यहां अब हम वापस पढ़ते हैं उसी स्टेटमेंट को, नोबल मेटल लाइक AgAu कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड, मैंने बोला एक्सट्रैक्टेड, रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी रॉन्ग था, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। इन केस ऑफ सेम कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑलवेज एग्जिबिट सेम कलर, ना जी ना, गलत, कलर का कोऑर्डिनेशन नंबर से कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं। जैसा हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, कलर डिपेंड करेगा लेमड़ा पे कि वो जो स्प्लिटिंग हुई है, वो जो एनर्जी गैप है वो किस रीजन में जा रहा है, किस कितनी वो लेमड़ा एब्जॉर्ब कर रहा है, विजिबल में जा रहा है, इंफ्रारेड में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कलर आएगा, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो मतलब यहाँ चारों ही स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग केवल ये नन पे नहीं था, चार स्टेटमेंट आपको देने थे, चारों स्टेटमेंट का मीनिंग बताना था और होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वापस वही एप्लीकेशन पे है सर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एप्लीकेशंस के बारे में क्वेश्चन जो है वो बाकी चैप्टर्स में जो लास्ट में पोर्शन दिया होता है जनरली वो अपन थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देते हैं, बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना सर कि बच्चा क्या होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बहुत हल्के में लेता है, हाँ। उसको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ये सब एनसीईआरटी की सारी चीजें बता होती है, वो लास्ट वाले पार्ट को अवॉइड कर देता है और मोस्ट ऑफ एग्जाम में वहीं से पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल आप उसको अवॉइड ना करें। इसमें देखो पहला स्टेटमेंट है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है is an enzyme and contains zinc, definitely सही है, zinc zinc जो है ये कार्बोक्सीपेप्टाइड जो है वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल जिंक होता है, बिल्कुल ये सही बात है। नेक्स्ट इसमें है सर हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड एंड कंटेन आयरन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, सही, हाँ सही स्टेटमेंट है। साइनोकोबालमिन इज B12 एंड कंटेन कोबाल्ट, ये भी सही है, कोबाल्ट
उसका कॉम्प्लेक्स है B12 है, B12 जो विटामिन है वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट इसमें सेंट्रल मेटल की तरह व्यू करता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल्स आर ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स एंड कंटेन कैल्शियम। गलत है, कैल्शियम नहीं होता, सबको पता है, छोटी क्लासों में पढ़ लेते हैं, इसमें मैग्नीशियम होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ज्यादा इस पे बात करनी नहीं है। बिल्कुल आंसर अपना जाएगा ये वाला, क्योंकि इनकरेक्ट अपने को पूछा था। इस क्वेश्चन को भी लेने का सर अपना यही टारगेट था कि थोड़ा फोकस करें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक सिंपल सा कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि ये मैंने बोला था कि एम्पिडेंटेड लिंकेज अगर कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे इसमें NO3 एम्पिडेंटेड नहीं है, NH3 नहीं है, यहां भी नहीं है, तो फर्स्ट का मतलब नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है। यहां बात करें तो देखो यहां नाइट्रोजन से बॉन्डेड है पैलेडियम, और यहां सल्फर से, तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है। This is thiocyanate. एक बार सल्फर से बॉन्डेड है, एक बार नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, तो ये आंसर जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म का। तो जब कभी भी कोई एम्पिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो, डोनर एटम चेंज हो, तो आइसोमेरिज्म कौन सी होगी? लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following has an optical isomer? इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, इसके बारे में क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन में बच्चा सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी करता है। और जबकि सर मैं कहूँ ना, अगर थोड़ी सी दो तीन बातों का अगर ध्यान रखें ना, तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में लग जाता है, बहुत इजी वे में लग जाता है, और चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो वही उसी को कोशिश करेंगे हम बच्चों को, वही कंसेप्ट देने की, और उस डायरेक्ट क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच करनी है उसी की बात हम करने जा रहे हैं। कि आपको पूछा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो पहले तो बेटा दो लाइन आपको ध्यान रखनी है कि अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई भी एक एलिमेंट या दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या, आप उसको दो बराबर भागों में काट सकते हो किसी भी प्लेन से, या सेंटर ऑफ सिमेट्री आई, उनमें से कोई भी एक या दोनों हो सकते हैं, या कोई भी एक अगर प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, वो पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, उसकी डी और एल फॉर्म नहीं बनेगी, वो एकायरन होगा, वो नॉन रिजोल्वेबल होगा। ये स्टेटमेंट सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के लिए मैंने बोले। अगर ये एब्सेंट है, बिल्कुल मतलब उसमें ना तो सिग्मा लग रहा है ना उसमें आई लग रहा है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, डी और एल फॉर्म बनाएगा, पीपीएल को रोटेट करेगा, रिजोल्वेबल होगा, काइरल होगा, ठीक है। तो यहां हमें तो डायरेक्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री तो चेक करनी है, सिंपल सा देखो सब। हाँ, ये सब चीज चेक करने से पहले आप हाइब्रिडाइजेशन जरूर चेक कर लेना कि पता लगे कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर था और आपने sp3 मार्क की क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लो स्क्वायर dsp2 हाइब्रिडाइज होते ही अपन उसको कैंसिल आउट कर देंगे, टेट्राहेड्रल के लिए अपन बात करेंगे। ये मैंने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ये दिया हुआ है, तो जिंक यहाँ Zn+2 में है, 3d10 कॉन्फिगरेशन है, और d10 पे ऑलवेज क्या आएगा, sp3 आएगा। अब इसमें मुझे प्लेन चेक करनी है, तो जिंक है, ये नाइट्रोजन डोनर एटम, ये नाइट्रोजन डोनर एटम, ये इधर से CH2, NH2, CH2, CH2, NH2, ये इधर से बॉन्डेड है, और इधर दो NH3 लगे हुए हैं। अब ये टेट्राहेड्रल आपको इमेजिन करना है, तो जिंक यहाँ पे है, दो NH3 है, और ये नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन डोनर एटम है, बिल्कुल नाइट्रोजन CH2, CH2, N ऐसे जिंक से बॉन्डेड हो गए, ये दोनों अमोनिया है, यहां से प्लेन लगा दो बराबर भागों में कट जाएगा, मतलब इसमें POS प्रेजेंट हो गई, इसका मतलब दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक भी, अगर अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर बात करें, तो अगर एक भी मान लो ऐसा कोई लिगेंड प्रेजेंट है जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है और डोनर एटम सेम है, तो उसके अंदर ऑप्टिकली वो इनएक्टिव होगा। हाँ, तो इससे ऐसे भी कर सकते हैं, ये ट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप प्लेन से भी इमेजिन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन है, मिटा ना बताओ साफ साफ ना, ये वाला दिया हुआ है। अब ये कंपाउंड है तो डाइथाइलिन, ये है इथाइलिन डाई अमीन लिगेंड है और हेक्साडेंटेड है ये, तो कोबाल्ट, और हमें पता है बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड के डोनर एटम हमेशा रेस्पेक्टिव पोर्शन पे 90 पे रहेंगे, सक्सेसिव पोर्शन पे 90 पे रहेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दो है NN, तो ये दोनों 90 पे हैं, NN ये दोनों 90 पे हैं, NN ये दोनों 90 पे हैं, दोनों डोनर एटम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 पे होने चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब बच्चा इस कॉम्प्लेक्स में गलती क्या करता है, वो बिना कुछ सोचे समझे इसको 2D में इमेज करके ये वाली प्लेन लगा देता है, जो कि एक्चुअली में है ही नहीं। आप खुद दिमाग लगाओ ना,
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, मेटल है तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाले हैं और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाले हैं, सिक्स। तो आपने एन नाइट्रोजन यहां लगाया, इस पे लगाया, तो एक वाली तो ये रिंग बन गई। दूसरा आपने नाइट्रोजन इधर लगाया, इधर से जोड़ा, एक ये बन गई और एक ये बन गई। तो ये रिंग आगे की तरफ है, ये रिंग पीछे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो ये प्लेन कैसे लगा सकते हो? तो इसमें पीओएस क्या है? एब्सेंट है। और ये एब्सेंट होते क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। फिर इसकी बात करते हैं, ये भी ऑक्टाहेड्रल है और ऑक्टाहेड्रल में यहां बात करें तो चार H2O है सर, बिल्कुल। तो ये एन एन और ये ओ एच टू, ये ओ एच टू, ये कोबाल्ट, ये ओ एच टू और ये ओ एच टू। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 180 पे दो लिगेंड आइडेंटिकल आ गए तो प्लेन हमेशा लगेगी, बिल्कुल सर। 180 पे दो आइडेंटिकल लिगेंड आ गए तो 180 पे यहां दो आइडेंटिकल है, यहां भी H2 है, यहां भी H2 है। अब यहां सेम हो या डिफरेंट हो कोई प्रश्न नहीं पड़ने वाला, ये वाली प्लेन तो लगने वाली है। तो इसमें भी POS क्या है? प्रेजेंट है, और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो वापस sp3 आएगा, टेट्राहेड्रल जिंक, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये इधर से बॉन्डेड और ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, तो वही है, एक रिंग ऐसे है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, दूसरी रिंग ऐसे है, बिल्कुल। तो ये प्लेन लग जाएगी, तो इसमें भी प्रेजेंट है। तो हमें पूछा था ऑप्टिकल आइसोमर, तो वो है सेकंड। होपफुली समझ में आएगा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से हमने कई कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कंप्लीट अपने बात की। होमोलेप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ अ मेटल आयन M+3 विद 3 मोनोडेंटेट लिगेंड L1 L2 L3 एब्सॉर्ब वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ ग्रीन ब्लू एंड रेड रेस्पेक्टिवली द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लिगेंड स्ट्रेंथ इज। सर ये क्वेश्चन ये बच्चों के लिए काफी दिक्कत करता है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जेई ने इस पैटर्न पे 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसके लिए ना बच्चा बेवजह है ना अपने आप को हेडिक बनाता है। मतलब कि क्वेश्चन बहुत इजी है ये सर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एब्सॉर्ब वेवलेंथ आपको दी हुई है, बिल्कुल ऑलरेडी एब्सॉर्ब वेवलेंथ दी हुई, तो क्वेश्चन तो इजी है। वो तो ऑब्जर्व वेवलेंथ देता तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता, आगे सोचना पड़ता है। तो यहां पे सिंपल सा आप एक रिलेशन पढ़ते हैं सर अपन, E=hc/λ। हमारी यहां ई क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी, बिल्कुल डेल ओ, क्योंकि हमें बोला है ऑक्टाहेड्रल तो डेल ओ हो जाएगा। और यहां जो ये है, ये जो लेमड़ा होती है वो एब्जॉर्ब होती है, बिल्कुल सर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एब्जॉर्ब लेमड़ा हमें तीन कलर दिए हुए हैं, ग्रीन ब्लू और ग्रीन ब्लू और रेड। अब हमें ये पता है कि कलर ये वाले होते हैं विबग्योर, इधर से इधर जाता हूं तो सर लेमड़ा क्या होता है? बढ़ेगा, इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा लेमड़ा किसका है? लेमड़ा जो सबसे ज्यादा है वो किसका है? रेड का, रेड का, ठीक है। तो रेड का सबसे ज्यादा है, उसके बाद हमारे पास आएगा ग्रीन का, बिल्कुल, और उसके बाद आएगा ब्लू का। ये लेमड़ा का ऑर्डर है। तो डेल ओ का ऑर्डर जो आएगा ना, इसका जस्ट अपोजिट आएगा, सबसे कम रेड वाले का है, फिर ग्रीन वाले का है, फिर ब्लू वाले का। अब क्वेश्चन को हम मैच करते हैं कि यहां बोला है कि 3 मोनोडेंटेड लिगेंड L1 L2 3 एब्सॉर्ब वेवलेंथ इन रीजन ऑफ ग्रीन। ग्रीन किसके लिए था? L1 के लिए, बिल्कुल। ब्लू किसके लिए है? L2 के लिए। रेड किसके लिए है? L3 के लिए। अब हमें पूछा है लिगेंड स्ट्रेंथ, तो हमें यह भी पता है कि जितना ज्यादा ये डेल ओ होगा स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो मतलब ये रिलेशन भी आप ध्यान रखिए, डेल ओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा स्प्लिटिंग उतनी ही पावरफुल होगी, डेल ओ उतना ही ज्यादा आएगा। तो अब इसी के ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, सबसे ज्यादा डेल ओ है ब्लू वाले का, ब्लू वाला आ रहा है L2, फिर ग्रीन वाला आ रहा है ये आएगा L1, फिर रेड वाला आ रहा है तो ये आ जाएगा L3। ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होगी। ऐसा ऑप्शन अगर चेक करने जाएंगे तो सेकंड में आएगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर। और कलर के बारे में हमने पिछले वाले लेक्चर में भी हमने इसके बारे में रिगार्डिंग बात की, ऑब्जर्व का इसका उल्टा लेना, हाँ ऑब्जर्व में इसका उल्टा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स MFCLSC, ये आपको हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स दे रखा है स्क्वायर प्लानर, उसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स की अपने को बात करनी है। जी सर, तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले आपको इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है कि ये क्या है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ये अपने पास है MABCDD टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो इसके यहां पे हमें टोटल पूछे हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, मतलब इसमें स्ट्रक्चर भी आएगा और स्टीरियो भी आएगा,
बिल्कुल दोनों आइसोमर आपको कंसीडर करके चलने हैं। तो इसके पहले हम पॉसिबल स्टीरियो निकाल लेते हैं। बिल्कुल सर, कि पॉसिबल स्टीरियो कितने आएंगे। तो इसके पॉसिबल स्टीरियो है तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि ए बी सी डी, पहला पेयर आप पेयर बनाओ 180 वाले पेयर बनाओ, 180 पे रखने आपको। तो पहला पेयर बनेगा ए बी का, ए का बी के साथ बन सकता है, ए का सी के साथ बन सकता है और ए का डी के साथ बन सकता है। जब ए बी का पेयर बन गया तो 180 पे कौन जाएगा, फिर सी डी। ए सी का पेयर बन गया तो 180 पे कौन जाएगा, बी डी। ए डी का पेयर बन गया तो 180 पे कौन जाएगा, बी सी। और ये तीनों अलग अलग है, मैंने एक ट्रांस पेयर बनाए हैं मेटल, मतलब ए बी को कहां रखना है 180 पे, सी और डी को भी कहां रखना है 180 पे। ए दो तीन, ऐसे तीन आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके पॉसिबल है। बिल्कुल सर, ठीक है। अब इन तीन आइसोमर के ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो पॉसिबल है, अब एक ये एक और ये एक, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीन मैंने यहां पे बना दिया। अब इस एक में भी मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूं। बिल्कुल सर, क्योंकि ये क्या है, एम्पिडेंटेड लिगेंड है, सल्फर और नाइट्रोजन। तो देखो इधर, सल्फर जब सल्फर से बॉन्डेड हो तो नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो सकता है, ये सल्फर से ही बॉन्डेड होता है, इस कंडीशन में ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो जाए, से भी हो सकता है। अब ये नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो तो ये नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो, नाइट्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो, तो इसके कितने पॉसिबल है, चार पॉसिबल है। ऐसे इसमें कितने पॉसिबल हो जाएंगे, चार, इसमें भी कितने हो जाएंगे, चार। तो टोटल आइसोमर अपने पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे 12। ये क्वेश्चन सर ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एबीसीडी देखते हैं अपन, जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल तीन होते हैं, तीन अपने टिक कर दिया और अपन एम्पिडेंटेड लिगेंड के बारे में अपने स्ट्रक्चर को कई बार इग्नोर कर देते हैं, गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि देखो आप इसमें ये देखो ना, सल्फर जब ये सल्फर से बॉन्डेड है तो दो पॉसिबिलिटी है, एक बार सल्फर से तो ये नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से, सल्फर से बॉन्डेड है तो नाइट्रोजन, सल्फर से तो ऑक्सीजन, फिर ये नाइट्रोजन से बॉन्डेड है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जब इस कंडीशन में। बिल्कुल सर, एक फिर सेकंड ये कंडीशन ले तो इसमें भी चार पॉसिबिलिटी, इसमें ले तो इसमें भी चार पॉसिबिलिटी, टोटल 12 आइसोमर। एडवांस बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बेजिंग CO लिगेंड्स एंड COCO बॉन्ड्स इन CO2 CO8 रेस्पेक्टिवली आर। ये कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है सर, मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, ब्रिज बॉन्ड कितने हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन सर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये देखो ये वाला होता है सर COCO4, ठीक है, ये मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल होता है। बिल्कुल सर, और इसका ये ईएन बोलो नहीं करता है, 27 8 30 35 हो गया। तो ये मेटल कार्बोनिल की टेंडेंसी होती है ईएन बोलो की। बिल्कुल सर, अगर वो ईएन बोलो नहीं करते ना तो वो या तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरफ योग करेंगे सर, या फिर वो रिड्यूसिंग नेचर की तरफ योग करेंगे, या फिर वो डाइमराइज होंगे या ट्राइमराइज हो जाएंगे। बिल्कुल, तो अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। बिल्कुल सर, तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर सकता है, जिसका ऑक्सीडेशन करेगा उससे इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ ईएन को फॉलो कर सकता है और ये डाइमर भी बना सकता है। और जब इसका डाइमर बनेगा ना तो CO2CO8 ये डाइमर बनेगा। बिल्कुल, और इसमें मेटल मेटल बॉन्ड बनेगा जिससे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। बिल्कुल, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी वाली आएगी, ये CO और ये CO और ये COCOCOCO और ये CO, ये CO और ये CO और ये CO, एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल होती है सर, और ये होता है डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड, बिल्कुल। अब इसका इसका ईएन भी फॉलो हो रहा है, इसका ईएन भी फॉलो हो रहा है। अब ये स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में रहती है। दूसरी पॉसिबिलिटी है इसकी, ये CO, ये CO, ये CO और ये CO, दो CO किसमें चला जाए, ब्रिज CO में चला जाए, मेटल मेटल बॉन्ड अब भी प्रेजेंट है और ये CO और ये CO, इनमें क्या है सर, सॉल्यूशन का इफेक्ट आता है। बिल्कुल, एक्वस सॉल्यूशन में ये वाली स्ट्रक्चर रहती है, सॉलिड स्टेट में ये वाली रहती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, उसने पूछा है ब्रिज बॉन्ड बताने, ब्रिज CO बताने। बिल्कुल सर, तो इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि पूछा है ब्रिज के बारे में है, तो मेटल मेटल बॉन्ड तो वन है। बिल्कुल सर, और ब्रिज CO दो है, दो है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास सेकंड है, सेकंड वाला, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन द वन दैट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो वही बात है, बिल्कुल बेसिक बात सर कर चुके हैं, और फिर भी आप देखो इधर देखो 180 पे दो सेम आइडेंटिकल लिगेंड है, POS क्या है, परजेंट, परजेंट प्लेन लग जाए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब इसको यहां रख दो या यहां रख दो, बात है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नहीं शो करेगा, खत्म। इस पे बात करें तो यहां पे देखो इधर, यहां पे सेम नहीं है। अब आप खुद दिमाग में लगाए ना, यहां ए है, यहां बी है,
यहाँ ए है, यहाँ बी है, इधर ई एन लगे हुए हैं। तो अगर मैं ये वाली प्लेन लगाना चाहता हूँ तो ऊपर ए बी प्लेन नहीं लगेगी, चेंज हो गया। ये वाली लगाना चाहता हूँ ये वाली, तो इस ए के सामने बी आ जाएगा, यहाँ तो इधर सेम हो जाएगा, बट इसमें ओवरऑल पीओएस क्या आ रही है, एब्सेंट आ रही है, ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव एक्टिव। इसमें ये दो आइडेंटिकल लिगेंड आ गए 180 पे, प्लेन लग जाएगी। इसमें दो आइडेंटिकल लिगेंड आ गए 180 पे, तो इसमें नहीं है 180 पे दो आइडेंटिकल लिगेंड, और सब में है, इसलिए सब में प्लेन लग गई, इसमें नहीं लगी, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनआई प्लस टू इज 4, कंपाउंड का आपको प्लस 4 के अंदर दे रखा है, और NiCl2 के साथ में KCN और HCl के साथ में रिएक्शन दे रखी है, तो सबसे पहले तो सर अपने को कॉम्प्लेक्स पूछेंगे कौन कौन से बनेंगे, और उनके IUPAC नाम के रूप में अपने को ऑप्शंस दे रखे। तो सिंपल सा कंसेप्ट तो मेन तो यही है कि कॉम्प्लेक्स पूछना बताना है आपको, नेमिंग आपको ऑलरेडी आती होगी सभी बच्चों को। यहाँ तो बनेगा सर साइनाइड के साथ निकिल, ये निकिल बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है सर। बिल्कुल सर, एनआई प्लस टू इतना एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है ना कि इसका कोई आइडिया नहीं लगता एक्चुअली में, तो इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ कि CN माइनस है, CL माइनस है Ni प्लस टू में, तो इनके साथ ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करता है। और अगर न्यूट्रल लिगेंड आ गया ना, जैसे H2O आ गया, NH3 आ गया, EN आ गया, इनके साथ ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे CN और CL दिया हुआ है, तो चार का कॉम्प्लेक्स बनेगा NiCN4-2, सब कुछ निकाल लेना, DSP2 होगा, डाइमैग्नेटिक होगा, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और यहां पे बात करूं NiCl4-2 की, तो सर ये sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, नेमिंग आप कर सकते हो ये वाले कॉम्प्लेक्स। बाकी सर आपने ये जो बात बताई है ये स्टूडेंट्स के लिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये बात नहीं देते हाँ तो फिर कॉम्प्लेक्स जो है वो कोई बच्चे जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना तो गड़बड़ हो जाता है, तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट। और Ni प्लस 4 में आएगा ना तो उसमें कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर आएगा। Ni प्लस 4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, ऑलवेज जो भी लिगेंड है वो हमेशा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन, ये तो वही हो गया, सेम वो क्वेश्चन है जो अभी मैंने बोला है, उसके बारे में बता चुका हूँ, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ये आगे की बात, आगे की क्वेश्चन है। वहां मैंने बोला था कि DSP2 वाला, ये जो DSP2 यहाँ बन रहा था ये डायमैग्नेटिक है, यहाँ SP3 बन रहा था ये पैरामैग्नेटिक है, उसी के हिसाब से आपको देना है। तो ए इज डायमैग्नेटिक, बी इज पैरामैग्नेटिक विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे कितने, तो यहाँ Ni प्लस 2 में है, आपको 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन को आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये गलत हो गया, स्टेटमेंट सही जाएगा वो जाएगा थर्ड सही है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन मैटर वही है, इंफॉर्मेशन वही है, पैसेज है ना पूरा पूरा पैसेज का, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ये आप अपने को चार स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनके रेस्पेक्टिव कुछ इन्फॉर्मेशन है, उनके बेसिस पर अपने को चेक करना है कि कौन सा करेक्ट होगा और इनकरेक्ट। सबसे पहले दिया है CO6-3, मतलब CO प्लस 3 में है, प्लस 3 में, और ये भी प्लस 3 में है, बट यहाँ हम देख रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड है, और यहाँ हम देख रहे हैं SFL है, मतलब यहाँ पेयरिंग होगी और यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। तो सर इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है, वो इसमें ऐसा हम बाकायदा लगाएं तो ये डी है, ये N-1D है, जिसको आप देखो इसको T2G बोल देते हो, आप EG बोल देते हो, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसमें ये NS है और ये NP है और आगे ND है, पांच ऑर्बिटल वो ये ND है। अब इसमें मुझे CO प्लस 3 में है, D6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, CO प्लस 3 में D6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, हुन रूल से फिल होंगे, जैसा बढ़ते हैं वैसा बढ़ते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो एक s, 3p और 2d, sp3d2 आएगा, तो इसका आंसर आएगा sp3d2, इसमें 6 की पेयरिंग हो जाएगी। बिल्कुल सर, तो पेयरिंग हो जाएगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये वाले ये यहां आ जाएंगे, ये 6 की पेयरिंग हो जाएगी, ऐसे बना जाएगा k2g6eg0 कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये 2d बच जाएंगे आपके। बिल्कुल सर, मतलब d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा d2sp3, तो बोथ आर पैरामैग्नेटिक, ये इंफॉर्मेशन गलत है, फर्स्ट पैरामैग्नेटिक है, सेकंड पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो ये गलत हो गया। बिल्कुल सर, फिर ये बोथ आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ना जी ना, हाई स्पिन और लो स्पिन में क्या है कि स्पिन
जब मेटल फ्री स्टेट में था तो उसकी स्पिन कितनी है, उसके बाद कम हुई तो लो स्पिन हो गया और बढ़ गई तो हाई स्पिन हो गया। बिल्कुल, तो CO प्लस 3D6 में है सर। बिल्कुल, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, पहले इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी स्पिन 4 × 1/2 है। बिल्कुल, अब अगर मैं यहां बात करूं कि इसमें इसमें बात करूं CO और SO में, तो यहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। बिल्कुल, मतलब स्पिन तो कम हो गई, कम हो गई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये भी गलत है। फिर CO F6 ऑक्टाइडल भाई, ये वाला है पेंटागोनल पिरामिड, नहीं तो थोड़ा गलत, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे पेंटागोनल पिरामिड शेप नहीं आती है, ऑक्टाइडल ही आती है। फिर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बन जाती है, बट ये पी ब्लॉक के एलिमेंट के कोवेलेंट कंपाउंड के लिए होती है, पेंटागोनल पिरामिड, सॉरी पेंटागोनल पिरामिड है। हां ठीक, CO F6 इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भाई, डेफिनेटली देखो आउटर, उसमें डी, इसमें डी कौन से पार्ट्स में टूटे, बाहर वाले, ये इनर, हमें पूछा है Which statement is correct? COF6 is outer orbital complex. गलत, outer orbital complex है, बाहर वाले d use में है, अभी sp3d2 लिखा, d2 aberration, और ये inner orbital, इसमें अंदर वाले d use में d2 sp3, तो आंसर जाएगा वो जाएगा 4, सिंपल सा outer orbital inner orbital के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which is correct statement? फिर से अपने को कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है complex के respective, coordination number 2 पे मतलब टेट्राहेड्रल है। बिल्कुल, MnO4- का भी D3S होता है, ये भी टेट्राहेड्रल है, तो ये भी सही है। फिर ये वाले दिए हैं आपको CuNH3+2PtAllNSuHeO DSP2 hybridization, बिल्कुल, इनका भी DSP2 आएगा, सबका आप निकाल के दे सकते हो, सबका डी, ये भी सही है। FeCO5 है ट्राइगोनल पाई बाउंड्री स्ट्रक्चर विद DZ, डेफिनेटली यहां D जो DZ इस पर काम में आता है, इसमें ये होता है कि अगर D अक्ष स्क्वायर Y स्क्वायर काम में आ जाए ना, स्क्वायर पिरामिडल, तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाती है, बट यहां बाकायदा बोला है कि ये इसमें है, तो यही आने वाला है, तो मतलब चारों ही स्टेटमेंट क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन दोनों कॉम्प्लेक्स के बारे में हम पीछे के एग्जांपल में आपको, ये हमने बार-बार क्यों लिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, अब यहां कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है, तो कॉलम मैचिंग में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ती है कि पॉसिबिलिटी यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल, देखो Cr+3 में है सर, बिल्कुल सर, तो D3 है, D3 तीन में पेयर कभी नहीं होगा, तो P तो इसका आंसर आएगा, आएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और हमें इसका फॉर्मूला होता है N+2 बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, तो यहां 3 वैल्यू रखोगे तो ये भी आएगा, ये भी आ गया सर, Q भी ले लिया, Q भी आ गया, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, नहीं जी, पेयरिंग ना तो कम हुई है, बिल्कुल पहले ना? जितनी है, उतनी है जितनी पहले थी उतनी है, तो ये नहीं आएगा, तो फर्स्ट का आंसर आएगा पी और क्यू। अब MnCn6-3 Mn+2 में है सर, Mn+3 में, इसमें कंपाउंड है, Mn+3 में है, तो यहाँ पे D4 हो गया, D4 कॉन्फिगरेशन, तो D4 में, D4 में यहाँ पेयरिंग हो जाएगी सर, बिल्कुल सर, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसका पी तो होगा, पी तो होगा, आर भी होगा, आर भी होगा, और लो स्पिन भी हो जाएगा, क्योंकि पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे अनपेयर्ड थे, अब इसमें पेयरिंग हुई है, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, एस भी आ जाएगा। फिर CO+2 में यहां D7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले, ठीक है, अब आप वीक फील्ड लिगेंड है, बिल्कुल, तो अनपेयर्ड ऐसे बढ़े जाएंगे जैसे इसमें है, ऐसे ही बढ़े जाएंगे, तो वीक फील्ड लिगेंड ही रहेगा और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो पैरामैग्नेटिक तो आएगा, क्यों भी आएगा, और लो स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि सेम रहेगा, इसमें एक जैसे वो प्लस 3 में होता है तब हाई स्पिन, लो स्पिन बन जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, कोबाल्ट प्लस 3 के साथ में वाटर, हां कोबाल्ट अगर प्लस 3 में वाटर के साथ है तो वो एकदम स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। CO+3 में ऑक्सीजन डोनर, यही सुन लो, CO+3 में ऑक्सीजन डोनर एक्ट एज ए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, चाहे ऑक्सीलेट हो चाहे वाटर, बिल्कुल सर, ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की बताई सर आपने। FeCn6-3 Fe+3 में है, बिल्कुल, तो यहाँ पे D5 है, कॉन्फिगरेशन आ गया, तो पहले 5 ऐसे हैं सर, बिल्कुल सर, अब पेयरिंग हो जाएगी तो 5 ऐसे बढ़े जाएंगे,
T2G में अपन बढ़ देंगे। तो स्पिन कम हुई है, अनपेड लो स्पिन है, अनपेड भी है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, एस भी आएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है। दिस इज आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं वापस मेज, वापस मेज द कॉलम का क्वेश्चन ही है। अब की बार आइसोमेरिज्म को मैच करना है, आइसोमेरिज्म को मैच करना। तो देखो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि यहां अपने पास कुछ भी नहीं है, तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। BSP2 आएगा तो इसका सिस और ट्रांस बनेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गया MA2B2 टाइप, तो इसका क्यों तो आंसर आएगा। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते जब तक लिगेंड में कायरल सेंटर ना हो। तो यहां एकदम प्लेनर है कंपाउंड, तो पूरा दो पार्टों में मॉलिक्यूलर प्लेन लग जाएगी क्योंकि DSP2 मतलब प्लेनर कंपाउंड हो गया, तो ये वाली प्लेन इसमें लग जाएगी। तो यहां पे ये भी नहीं आएगा। फेशियल मेरिडोनियल, तो फेशियल मेरिडोनियल ये MA3B3 टाइप के कंपाउंड के लिए होती है, तो इसका भी यहां कोई रोल नहीं है। तो फर्स्ट केवल क्यों आएगा? दूसरा है सर MA का होल ट्वाइस, MAA का होल ट्वाइस ये वाला कॉम्प्लेक्स है, तो आयनाइजेशन तो शो करेगा नहीं क्योंकि आयनाइन मंडल में, आयनाइन स्फीयर में कोई स्पीसीज नहीं है। ज्योमेट्रिकल करेगा नहीं करता है ये ज्योमेट्रिकल सर, नहीं करेगा ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल नहीं करता, ये केवल ऑप्टिकल करता है। ये केवल ऑप्टिकल करता है, इसका एक आइसोमर जो जिसमें प्लेन नहीं लगती है तो उसका ऑप्टिकल आइसोमर बन जाता है। इसमें सभी डोनर एटम भी सेम है, सेम उसके अंदर अपने को प्लेन भी, प्लेन एब्सेंट होगी तो ऑप्टिकल करेगा, तो इसका भी क्यों नहीं आएगा? ऑप्टिकल आइसोमर जो ये कंपाउंड शो करेगा। अभी पीछे हमने एक्सप्लेन किया है कि ये वाला है NN, ये NN और ये NN, तो इसमें डिफरेंट पोजीशन नहीं आ सकती। अब 90 पे रखने हैं तो दूसरा ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, बट प्लेन नहीं लग रही इसलिए ऑप्टिकल तो करेगा। ये अभी अपने जैसे डिस्कस किया था MA3B3 हो गया, हाँ ये इसमें ये R ऑप्टिकल आ जाएगा, फेशियल आएगा नहीं, इसमें S आ जाएगा, आयनेशन नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल करेगा ये बिल्कुल। फेशियल और मेरिडोनियल थ्री आइडेंटिकल लिगेंड 92 ईच अदर बिल्कुल, तो इसमें क्यों भी आएगा? और इसमें आयनाइजेशन, आयनाइजेशन भी करेगा, ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा, ऑप्टिकल नहीं करेगा, बस केवल इसमें आयनाइजेशन आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपको इसमें चार कॉम्प्लेक्स अपने को दे रखे हैं और उनके रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन को अपने को मैच करना है। सर इसमें एक चीज सीधा सा हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्रोच कर देते हैं, ये कार्बोनिल की सिंथेटिक बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, एक यहाँ है पिछले लेक्चर में, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करे उससे पहले इसका थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस बता देता हूं। यहाँ पे आयरन जो है वो +2 में है बिल्कुल सर, यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो -1 में है बिल्कुल, और ये न्यूट्रल है न्यूट्रल, तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कौन दिखाएगा? CO- बिल्कुल सर, इसको कार्बोनिल के साथ, तो जहां बैक बॉन्डिंग मिनिमम मैक्सिमम हुई कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो गई और उस CO बॉन्ड की एनर्जी मिनिमम हो गई। तो यहां हमें यह दिया हुआ है कि यहां पे दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स हैविंग लोवेस्ट बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम है तो बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट है, हाईएस्ट होगी बॉन्ड लेंथ, हाईएस्ट होगी, तो ये रहा बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इज हाईएस्ट, तो इसमें S आने वाला है सर बिल्कुल सर, और मिनिमम इन तीनों में से कहां हो जाएगी, सबसे कम यहां होगी बिल्कुल, तो इसमें P आने वाला है और इसमें ना तो मिनिमम है, इन दोनों के बीच का है, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो नहीं मैंने पहले इसको ही सॉल्व किया कि यहां ज्यादा कंफ्यूज होता है बच्चा। उसके बाद सिंपल से है, फॉलो रूल, EM को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? आयरन यहां पे +2 में है तो 24 और यहां से 10 ये देगा और 2 ये देगा 36, चेक करते हैं 36 आ जाएगा सर, 24 10 34 236, ठीक है ठीक है। तो ये EN को फॉलो कर रहा है तो यहाँ क्यों आंसर आएगा? कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन सिंथेटिक बॉन्डिंग, CO है तो सिंथेटिक है 100% है, तो इसमें R भी आ जाएगा, R भी आ जाएगा। फिर इसकी बात करें जिसे सॉल्ट, दिस इज जिसे सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, एग्जांपल ऑफ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक स्ट्रक्चर का भी सर ये पहले प्लानर होता है C2H ना, हां भाई जनरल फ्री इथाइन एथीन मॉलिक्यूल होता है, उसमें बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, इसमें सिंथेटिक बॉन्डिंग का एविडेंस है कि बॉन्ड लेंथ 1.37 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, तो मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दिया है मेटल ने, इसलिए वो बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो यहां पे EN को फॉलो ये नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा क्योंकि 78 है, +2 में हो गया, -6 -2 हो गया, +2 में हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 6 ये देंगे 2 ये देंगे 8 देगा, 84 आएगा, ये भी फॉलो नहीं करेगा ठीक है। नेक्स्ट
इसकी बात करें तो ये ई एन को फॉलो करेगा, कॉम्प्लेक्स सिंड्रेजिक बॉन्डिंग, इसमें सिंड्रेजिक बॉन्डिंग है सर, तो यहाँ पे इसमें केवल आर आएगा, सिंड्रेजिक बॉन्डिंग तो है ही क्योंकि ये इथाइलीन है, यहाँ पे ये ई एन को फॉलो करेगा, एस ऑलरेडी आ चुका है, क्यू भी आएगा, ये वाला ई एन को फॉलो नहीं कर रहा है, सिंड्रेजिक बॉन्डिंग तो इसमें है, आर ई एन को फॉलो ये नहीं कर रहा है, तो ये वाले आंसर इसके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट में AgNO3 मिलाने पर एक मोल यौगिक से अवक्षेपित HCl के मोलों की संख्या होगी, तो सिंपल से इनके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं सर, दो मोल दे रहा है तो दो Cl को बाहर रखना है, BD NH3 4 और ये Cl2, ये आपको दे रहा है दो मोल, तो यहां NiH2O6 और ये Cl2, ये आपको जीरो मोल दे रहा है, यहाँ H2PtCl6 तो एक भी मोल नहीं आएगा, ये यहाँ पे एक मोल दे रहा है तो CONH3 4 Cl2 और ये Cl, और ये यहाँ पे जीरो मोल दे रहा है तो PtNH3 2 और ये Cl2, सिंपल क्वेश्चन है, तो वर्नर थ्योरी बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्स फ्रॉम फॉलोइंग व्हिच फॉलोस इज विद ईएन रूल, ईएन रूल का आपने कांसेप्ट पीछे बार बता दिया था, इसके अंदर जैसे फिर भी बता देते हैं सर, अपन जैसे 26 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका 2 कम हो गया प्लस इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहां पर 2 × 6 कर दिया, तो इसमें कितना आ जाएगा 36, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम क्योंकि प्लस 3 और 3 माइनस करेंगे तो यहां पर 35 आ जाएगा, और इसमें अपन 25 प्लस 10 करेंगे सर, हां 35 आ जाएगा, और Mn2CO10 के अंदर अपन इसका आप वैसे भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एक मेटल मेटल बॉन्ड भी होता है, देखो एक Mn में 25 तो दो में हो जाएंगे 50 हो जाएंगे, एक CO दो इलेक्ट्रॉन डोनर 10, कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए 20 हो गए, एक इसमें मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके दो इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं 72, दो से डिवाइडेड कर दो 36, तो EN फॉलो फर्स्ट कर रहा है और फोर्थ कर रहा है, बाकी ये दोनों EN को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हमने सारे कांसेप्ट को टच करने की कोशिश की है, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए एक बेहतरीन चीज साल्ट एनालिसिस जिसका नाम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो उस गुरुनीति को आप मिस मत करना, ठीक है, थैंक यू।